हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदी एस। तो आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण अभियोग या केस इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग एवं केस, यानी आधुनिक इतिहास में कौन कौन से केस हुए, किस पर क्या कानून और कौन सा केस हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं अभियुक्त है, वर्ष है, स्थान है, फिर आरोप है और निर्णय फैसला, यानी इन इन जो अभियोग और केस हुए इन पर कौन कौन से फैसले लिए गए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर पर कौन से अभियोग और केस हुआ और उन पे क्या निर्णय फैसला, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, बहादुर शाह जफर 27 जनवरी कौन सी स्थान पे हुआ, 27 कौन से डेट हुआ, 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक लाल किला कहाँ है, दिल्ली में, उन पे क्या है केस चला। और वो केस क्या था, कौन से आरोप लगे थे आपका बहादुर शाह जफर पे, आपका देखिए राजद्रोह का षड्यंत्र लगा था। क्या लगा था आपका, राजद्रोह का षड्यंत्र लगा था। 1857 देखिए उस समय जो हुआ था ना आपका 1857 का विद्रोह, तो 1857 के विद्रोह में षड्यंत्रकारियों को प्रथम हत्याएं एवं अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि बहादुर शाह जफर ने अपने प्रयास से उस समय सैनिकों को शरण एवं उनमें अस्थिरता एवं उनमें राजद्रोह भड़काने का आरोप लगा था। वह था ना 1857 का जो तो जिसमें बहादुर शाह जफर क्या है प्रमुख नेता थे, तो ये उन पे आरोप लगा था। और जिसका निर्णय फैसला क्या हुआ, देखो अंग्रेजों ने क्या निर्णय फैसला लिया, मुगल शासक के पद से हटाकर। अब ये बहादुर शाह जफर ही वो अंतिम मुगल शासक था जिनको क्या अंग्रेजों ने उनके पद से हटाकर कहां भेज दिया, रंगून बर्मा, क्या बर्मा निर्वासित कर दिया, उन्हें जेल में भेज दिया गया। देखिए मुगल शासक के पद से हटाकर, देखिए अब उन्होंने क्या मुगल शासक के पद से हटाकर क्या बंदी बना लिया गया तथा क्या रंगून निर्वासित कर दिया गया। अब ये रंगून क्या है, रंगून आपका उस समय क्या है म्यांमार, यानी बर्मा, आधुनिक नाम क्या है म्यांमार और पुराना नाम क्या है बर्मा, क्या है बर्मा, उन्हें म्यांमार में क्या है निर्वासित कर दिया गया, यानी वहां जेल में बंद कर दिया गया ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया, ये बहादुर शाह जफर हो गया, ये बाल गंगाधर तिलक हो गया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर क्या क्या आरोप लगा था और कौन सी स्थान पे लगा था, देखिए 4 और 5 मई की बात है, कब की बात है ये 1883 में, कहा कलकत्ता, क्या कलकत्ता के उच्च न्यायालय, उस समय क्या था ना कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट था। आपको याद होगा ना सबसे पहला भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी आपका कलकत्ता में। तो उन पे क्या लगा था, क्या आरोप लगा था, न्यायालय की अवमानना का आरोप, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। और उस आरोप में उन्हें क्या क्या सजा हुई, देखिए दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाई, क्या सुनाई गई इसमें फैसला कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या है, इनको कब कौन से डेट पे स्थान पे कब सदस्य सुनाई गई, 1897 1908 और 1916 में, क्या है अपने पत्र। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक का एक जो मोस्ट फेमस क्या है पत्रिका है केसरी, या आपका केसरी, अपने पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक एवं सरकार के विरुद्ध क्या विद्रोह करने वाले लेख लिखने के आरोप में, देखिए अब उन्होंने क्या किया था अपने पत्र है, जो केसरी उसने पत्रिका संपादन किया था उसमें उन्होंने क्या किया था सरकार के विरुद्ध, मतलब कौन सरकार विरुद्ध, अंग्रेजी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था विद्रोह करने वाले लेख लिखने के आरोप में क्या उनको क्या है कौन सा फैसला सुनाया गया था, कौन सा आपका निर्णय लिया गया था, 18 माह का कारावास, देखिए हमको 18 माह का कारावास और 1897 सुनाए थे, राजद्रोह पूर्ण लेखों के कारण 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, देखिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और मांडले निर्वासित कर दिया गया, उनको कहाँ कर दिया मांडले निर्वासित कर दिया गया, कब 1908 में, और जेल की सजा न देकर, देखिए अब उसको जेल की सजा न देकर क्या साधारण दंड दिया गया था। तो ये था हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका अरविंद घोष तथा 37 अन्य लोगों को कौन कौन सी सजाए कौन से स्थान पर दी गई थी, 1908 और 1909 के बीच क्या है उन्हें मुजफ्फरनगर, कहाँ है मुजफ्फरनगर, का है यूपी में, मुजफ्फरनगर के
कलेक्टर की हत्या का प्रयास और अलीपुर बम कांड षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार कर कौन सा फैसला दिया गया था? देखिए, विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष कारावास, यानी आपको विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी। तो आज हमने सिर्फ एक महत्वपूर्ण अभियोग और केस के बारे में पढ़ा, अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके और है जो अभियोग के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतनी, अगर क्लास पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आज एक छोटा सा ही वीडियो था। ओके, थैंक यू सो मच।